हिमाचल प्रदेश में इस बार पलम की फसल बीते वर्ष के मुकाबल अधिक होने की उम्मीद से पलम बागवानों में खुशी है। प्रदेश में इस वर्ष करीब 4,000 मीट्रिक टन पलम फसल अधिक होने का विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है। इस वर्ष पलम की बागवानी भी बीते वर्ष के मुकाबले 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ी है। बीते वर्ष करीब 10,700 हेक्टेयर क्षेत्र में 7,000 मीट्रिक टन पलम हुआ था। इस बार 11,800 हेक्टेयर क्षेत्र में मौसम अनुकूल रहने की सूरत में 11,000 मीट्रिक टन पलम होने की उम्मीद है। इस बार हालांकि आरंभ में बारिश न होने से भूमि में नमी की कमी हुई थी, इससे पलम की साइज को असर डाल सकता था। पलम बागवानों को उम्मीद है कि मौसम आने वाले दिनों में अनुकूल रहेगा और पलम का साइज ठीक होने से मंडी में दाम भी अधिक मिलेंगे। निरसू के पलम बागवान ओम प्रकाश ने बताया कि निरसू क्षेत्र पलम बादाम के लिए मशहूर है। इस बार पलम की फसल पिछली बार से अच्छी है। सूखा पड़ने से पलम फसल को नुकसान हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि अच्छी बारिश होने से फसल ठीक होगी। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, मेरा गांव है निरसू। ये निरसू जो गांव है ये स्पेशली पलम और बादाम के लिए मशहूर है। इस बार की जो फसल है पलम की काफ़ी अच्छी है, पिछली बार के मुकाबले इस बार काफ़ी अच्छी है, पर सूखा पड़ने की वजह से थोड़ा सा इसमें ड्रॉट की आशंका लग रही है। जो फसल है वो थोड़ी बहुत इस बार ड्रॉट की वजह से थोड़ी कम हो सकती है, पर पिछली बार के बजाय इस बार अच्छी फसल है। जो बीच में बारिश नहीं हुई उसकी वजह से फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है, पर फिर भी थोड़ी बारिश होने के बाद ये काफ़ी रिकवर कर चुकी है और हम आशा करते हैं कि इस बार अच्छी बारिश हो और ये जो थोड़ा बहुत इस पे नुकसान हुआ है ड्रॉट की वजह से तो ये नुकसान पूरा हो जाए। बॉबी चौहान ने बताया कि वे बागवानी से जुड़े हैं। बारिश टाइम पर ना होने से सूखा पड़ा। शुरू में सूखा पड़ने से पलम भी झड़ने लगे थे। आने वाले दिनों में जरूरत अनुसार बारिश होती रही तो अच्छी फसल होगी। नमस्कार, मैं बॉबी चौहान निरसू से। हम बागवानी का खेती का काम करते हैं। इस बार देखिए फसल पलम की थोड़ी ड्रॉट के वजह से थोड़ी फसल कम है, और टाइम टाइम पे समय पे अगर बारिश हो जाए तो हम भी बागवान भी खुश और फसल का भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर टाइम पे बारिश ना हो तो ड्रॉट पड़ जाएगा। निरसू के पलम बागवान रूप सिंह ने बताया कि इस इलाके में सबसे ज्यादा पलम की फसल निरसू में होती है। इस बार पलम की फसल अच्छी है, लेकिन आर्म में सूखा पड़ने से फसल को प्रभावित किया है। उम्मीद है कि बारिश अच्छी होगी और पलम का साइज में बढ़ोतरी होने से मंडी में दाम भी उचित मिलेंगे। मेरा नाम रूप सिंह है, मैं निरसू से हूँ और हमारी जो खेती है पलम की खेती होती है। इस बार प्लम के जो फ्लावरिंग थी, फ्लावरिंग में थोड़ा बारिश ना आने के कारण हमारे जो फसल है थोड़ी मर गई है। बाकी पिछली साल की अपेक्षा हमारी फसल ठीक है, और आने वाले समय के लिए अगर बारिश टाइम से हो हमारा साइज इम्प्रूव होगा और आगे जाके मार्केट में दाम अच्छे मिले तो बागवान खुश हो जाएंगे। नहीं तो एक पिछली साल हमारे को अच्छा रेट मिला इसका प्लम का, अगर इस बार भी वही रेट मिलेगा तो बागवान सब खुश हो जाएंगे। और नहीं तो प्लम का ये हाल है, ड्रॉट से प्लम मर रहा है। हम आशा करते हैं कि बारिश इस बार अच्छी हो। बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर आर एस मिन्हास ने बताया कि पिछले साल करीब 10,700 हेक्टेयर क्षेत्र में 7,000 मीट्रिक टन पलम हुआ था। इस बार 11,800 हेक्टेयर क्षेत्र में 11,000 मीट्रिक टन पलम होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि पिछले साल फ्रूट सेंसिंग टाइम में टेम्परेचर कम हुआ और फसल प्रभावित हुई, लेकिन इस बार मौसम सामान्य रहने से फसल अच्छी होने की उम्मीद है। पिछले साल तक जो एरिया अंडर प्लम कल्टीवेशन था वो तकरीबन कोई 10,692 हेक्टेयर के करीब था, और इस साल जो हमने जो एवेल्युएशन की है उसके हिसाब से 11,822 हेक्टेयर जो है वो प्लम की खेती के अंदर लोगों ने लाया है। इस बार काफ़ी एरिया इंक्रीज हुआ है। और जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, लास्ट ईयर प्रोडक्शन तकरीबन 7,000
7000 मेट्रिक टन के आसपास था, और इस साल मुझे लगता है कि ये 11000 के आसपास जो है वो रहने की उम्मीद है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले साल जिस टाइम फ्रूट सेटिंग का टाइम था उस टाइम टेम्परेचर डाउन हो गया था, बहुत सारे और भी कई फैक्टर रहे जिसकी वजह से प्रॉपर फ्रूट सेटिंग जो है वो इसकी नहीं हो पाई। पर इस साल मौसम भी काफ़ी अनुकूल है और काफ़ी हद तक इस टाइम अच्छी स्थिति है, तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन जाहिर है इस बार बढ़ने की उम्मीद है।